Hi friends, my name is Archana and I am your English trainer. Okay, so now today is the second day of my class. Now I am going to start your second chapter. पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था फॉन्ड ऑफ ठीक है इसका डिस्क्रिप्शन और इसका लिंक मैं आपको अपने आपको इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा ठीक है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर इट मीन्स डे टू फाइन तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे मेरा आगे का फर्दर वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे और जरूर पहुंचे ठीक है सो फ्रेंड्स नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर इट मीन्स चैप्टर टू इट मीन्स डे टू चैप्टर टू नाउ टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर विल will प्लस वर्स्ट फॉर्म ओके सो वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द रिक्नेशन ऑफ दिस चैप्टर इट मीन्स मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रही हूँ कि इस चैप्टर की पहचान क्या है कहाँ इस्तेमाल करते हैं ऐसे कौन से हिंदी के सेंटेंसेस हैं जब हमें इंग्लिश में बोलना होगा तो हमें वहाँ पे यूज करना होगा विल प्लस वब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है तो आज हम बात करेंगे दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति मैं आप आपके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स कोई भी कोई भी इंसान कोई भी काम करेगा ठीक है कोई भी काम करेगा करेगा तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे विल ठीक है ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह यूज़ नहीं होगी क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें सिर्फ विल ही है ठीक है तो हम स्पोकन लैंग्वेज में बेसिकली क्या होता है वैसे तो हमने ग्रामर में हमने अपनी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल यानी कि I, वी के साथ हमें यूज़ करना होता है शेल और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बचे यानी कि ही शी इट यू दे और दीज दो इन सब के साथ हमें यूज़ करना होता है बिल लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं है अब हम शैल का यूज़ शैल का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे वो हम आपको स्पोकन लैंग्वेज में अलग से बताएंगे जो हमारी स्पीकिंग लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारी रिटन लैंग्वेज से ठीक है यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ विल कोई भी काम करेगा तो वहां पे हमें यूज करता करना है विल के साथ वो आपकी फर्स्ट जैसे मैं बोलूंगी मैं एग्जाम्पल मैं बोलूंगी ठीक है ना तो मैं इट मीन्स आई विल स्पीक सिंपल वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है आई विल स्पीक मैं जाऊंगी आई विल गो आप आएंगे यू विल कम आप सुनेंगे यू विल तो जैसे मैंने कहा कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें भाई वो का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ठीक है तो वो जोरू का गुलाम यहां आएगा जोरू का गुलाम जोरू का गुलाम यहां आएगा ठीक है एक छोटा सा पोर्शन हम यहां पे बोर्ड पे कट कर लेते हैं अपनी वो कैबलरीज के लिए ठीक है मींस वो कैप्स के लिए जोरू का गुलाम यहां आएगा फर्स्ट सेंटेंस है आपका ठीक है सेकेंड सेंटेंस जैसे मैंने बोला फाइन कुछ लोग से बदला लेंगे ठीक है फाइन वो छुपारुस्तंभ वो छुपारुस्तंभ आपसे मिलेगा फोर्थ स्टैंड है आपका कुछ लोग बीर बल की खिचड़ी खिचड़ी पकाएंगे तो पहले इतने सेंटेंसेस को हम यूज कर लेते हैं पहले हम सेंटेंसेस भी देख लेते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो हमें नहीं आते हैं जैसे जोरू का गुलाम ठीक है तो नोट कर लेते हैं हम एक साइड पे नेक्स्ट है बदला लेना टेक अ रेवेंज छुपा रुस्ता छुपरस्तम छुपारुस्तम आपसे मिलेगा कुछ लोग बीरबल की खिचड़ी बीरबल की खिचड़ी पकाना खिचड़ी पकाना ठीक है जोरू का गुलाम हैन पैक्डक् छिपारोस्तम डार्क हॉर्स ओके बीरबल की खिचड़ी पकाना बर्न द क्रिस्प मैं इसके नीचे लिख देती हूं बर्न द क्रिस्प बीरबल की खिचड़ी पकाना फाइन जोरू का गुलाम यहां आएगा तो हैंडपैक्ड विल कम हेयर ओके हैंडपैक्ड विल कम हेयर फाइन तो बाकी के सेंटेंसेस आप खुद बनाएंगे And Peg to Will, come here. Okay? कुछ लोग आपसे बदला लेंगे सम पीपल विल टेक अ रिवेंज विध यू ओके वो छुपा रुस्तम आपसे मिलेगा दैट डार्क हॉर्स विल मीट विद यू ओके कुछ लोग बीरबल की खिचड़ी पकाएंगे सम पीपल विल बर्न द क्रिस्प ओके तो जैसे मैं आपको समझाऊंगी आई विल कन्विंस यू कन्विंस यू समझाना समझाना मीन्स होता है कन्विंस कन्विंस करना ओके फाइन तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो बच्चा हिचकी लेगा द चाइल्ड विल टेक हिचकी लेना हिचकी लेना टेक हिकअप ओके फाइन इट्स ऑल राइट जैसे मैंने कहा नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी आई विल टीच यू ओके तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आएंगे माई पेरेंट्स विल कम टू मीट विद मी ओके सो वेल द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट जैसे फर्स्ट फॉर्म हम कोई भी काम करेंगे तो हमें वहां पर यूज करना होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मैं जाऊंगी आई विल गो मैं सुनूंगी आई विल लिसन मैं आऊंगी आई विल कम मैं आपको बताऊंगी आई विल टेल यू फाइन तो so, ये सारे सेंटेंसेस हैं इनको बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो समझ आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और इसे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए बेल आइकन जैसे ही आप दबाएंगे नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचेगा टिल देन बाय